हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल मैच शुरू होने से पहले हम देखेंगे कि पुजारा का न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ टेस्ट मैचेस में अब तक परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इन गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम का सामना करने वाली है। पुजारा ने टीम सऊदी के खिलाफ अब तक 130 गेंदों में सिर्फ 43 रन बनाए हैं और 3 बार आउट हो चुके हैं, और वही दूसरी तरफ ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ 44 के स्ट्राइक रेट से 299 बॉल में 133 रन बनाए हैं और 4 बार आउट हो चुके हैं। उन्होंने लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज नील वैगनर के खिलाफ भी 198 बॉल्स में 63 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हो चुके हैं। वही मीडियम पेस गेंदबाज कॉलिन डी ग्रैंडहोम के खिलाफ 43 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए हैं और 1 भी बार आउट नहीं हुए हैं। तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के खिलाफ भी 89 गेंदों में 21 रन बनाए हैं और 2 दफा आउट हो चुके हैं। और वही मैट हेनरी के खिलाफ इनका रिकॉर्ड काफी बेहतर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 88 गेंदों में 41 रन बनाए हैं और सिर्फ 1 ही बार आउट हो चुके हैं। इनके खिलाफ बाकियों के मुकाबले पुजारा का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर लग रहा है। अजाज पटेल, जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, उन्होंने सिर्फ 4 ही गेंदे डाली है और उनमें से 3 डॉट गेंदे डाली है। ये दो खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ काफी कम खेले हैं। पुजारा का ओवरऑल एवरेज और न्यूजीलैंड के खिलाफ का एवरेज दोनों भी 47 के आसपास का ही रहता है। इसका मतलब कि इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो दोस्तों, ये स्टैटिस्टिक्स देखकर आपको क्या लगता है कि कौन सा गेंदबाज पुजारा के लिए परेशानी बन सकता है, या फिर ये कौन से गेंदबाज को अपना टारगेट करेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ऐसे ही क्रिकेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।